हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ s.f.r कलर फ्लावर शो 63 कलर प्रेस्ड पिगमेंट पैलेट के स्वॉचेस। मेरे चैनल पे आपको इसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा इस पैलेट के ऊपर, और मैंने दो आई मेकअप क्रिएट भी किए हुए हैं इस पैलेट के साथ। अगर आपको उनके लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा आज की वीडियो देखने के बाद कि आपको ये पैलेट लेनी चाहिए या नहीं। और इसका जो प्राइस है वो है 740। ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी, और बीच बीच में इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जब मैंने ली थी तब इसका प्राइस 740 था। इसमें आपको मैट मेटालिक एंड सैटिन फिनिश में आईशेडोज मिलेंगे, और बहुत सारे ग्लिटर्स भी हैं इस पैलेट में। वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, पर्सनल यूज़ या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपनी आर्म के ऊपर, ये है आई बेस। तो मुझे लगता है कि आई बेस लगा के, आई प्राइमर लगा के मुझे आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि फिर वही आई गेस थोड़ा सा जस्टिफाई रहेगा। क्योंकि जब भी आप आई शेडोज लगाओगे, आप कंसीलर या आई बेस तो ज़रूर लगाओगे अपनी आईज पे, तभी अच्छा वो पॉप आउट होंगे। तो सबसे पहले जो मैं शेड लगाने जा रही हूँ वो ये फर्स्ट रो का पहला जो आई शेडो है वो है, और बहुत ही सुंदर ये शिमरी सा वाइट शेड है गाइस, बहुत ही सुंदर सा है। देखिए इसका स्वॉच अच्छा आया है, तो ये मुझे शेड पसंद है इसमें से, ये वाली पैलेट में से। सेकंड जो शेड है वो है शैम्पेन शेड, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। ये बहुत पिगमेंटेड लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आईज पे लगाया हुआ। तो इन दोनों की पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी आई है, एज़ यू कैन सी। एंड नेक्स्ट इज़ ग्लिटर, और ये है गोल्डन ग्लिटर गाइस। तो ग्लिटर भी इसके बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिए मेरे फिंगर पे ये इजीली आ गया, और इसका स्वॉच भी अच्छा है। तो आईज़ पे भी आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं फिंगर के साथ ही, और मेरी फिंगर के ऊपर से पूरा का पूरा उतर गया। अब सेकेंड वाला जो शेड है वो है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्पल, डार्क पर्पल शेड। तो इसके नाम भी हैं इस पैलेट पे, आप जैसे देख पा रहे हैं कि सबके नाम दिए हैं, बट मैं नाम नहीं पढूंगी, तो मैं आपको ऐसे ही ये जो इनके कलर्स हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो ये जो शेड है ये भी सैटन फिनिश में है, और ये ग्रीन कलर में है, एज़ यू कैन सी। ये मेहंदी ग्रीन जो होता है ना, जो सूखी मेहंदी, वैसा वाला कुछ आई गेस वैसा ही है। तो ये अब आगे वाला आ गया फिर से ग्लिटर, और ये डार्क ग्रीन है। और अब नेक्स्ट वाला जो है वो काफ़ी सुंदर है, ये ब्लू शेड है गाइस, स्काई ब्लू और शिमर में है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस। एंड नेक्स्ट वन इज शिमरी डार्क ब्राउन शेड। ये ऐसे लगता है जैसे प्रेस्ड पिगमेंट टाइप, ऐसे कुछ मुझे लगते हैं इसके अंदर आई शेडोज। तो ये भी बहुत सुंदर है, पिगमेंटेड है। और नेक्स्ट ग्लिटर है, और ये मल्टी शेडेड ग्लिटर है, जैसे सिल्वरिश मल्टी शेडेड, जैसे आप देख सक रहे हैं इसमें बहुत सारे हैं। और ये पूरी की पूरी जो ऊपर वाली रो थी उसके स्वॉचेज हैं। और नेक्स्ट रो, सेकंड रो का जो पहला शेड है वो है थोड़ा गोल्डन, थोड़ा ब्राउनी, ऐसे कुछ मुझे ऐसे लग रहा है ये, तो बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है ये भी। और नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये वाला, ये है मैरून शेड, बहुत ही सुंदर है। ये थोड़े से जो मैट आई शेडोज है ना वो थोड़े से पाउडरी आपको लगेंगे, लेकिन ब्लेंड अच्छे हो जाते हैं, बीच बीच में अच्छे भी हैं और बीच में नहीं भी हैं। और ये वाला आ गया गोल्डन, और ये भी बहुत सुंदर शेड है, थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश गोल्डन शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है भी आईज पे। और अब आ गया ग्लिटर, ये है कॉपर शेड ग्लिटर में, उसका स्वॉच भी बहुत सुंदर आया है। एंड नेक्स्ट वन इज हॉट पिंक आई शेडो, एंड दिस इज मैट आई शेडो, और इसका स्वॉच भी एज यू कैन सी अच्छा है। तो मैंने सबको यूज़ भी किया हुआ है आई मेकअप में, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, जो मेरी वीडियो थी इसका। और ये वाला है, ये भी कुछ कॉपर आई गेस, या फिर आई डोंट नो कौन सा था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। और ये वाला जो है ये गोल्डन है, ये भी शेड गोल्डन है, लेकिन डिफरेंट टाइप का गोल्डन, काफ़ी सारे आपको इसमें मिल जाएंगे गोल्डन शेड। तो अब नेक्स्ट वन इज़ बहुत ही सुंदर गाइस, बहुत ही सुंदर, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था, पिगमेंटेशन ठीक ठीक लगी मुझे। ये देखिए कितना सुंदर रॉयल ब्लू, और ये भी शिमर में है, मतलब मेटालिक फिनिश में थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज़ बहुत ही सुंदर शिमरी मेटालिक फिनिश में है, बट गाइस ये पिगमेंटेड नहीं है इतना ज़्यादा, तो एज़ यू कैन सी पिगमेंटेशन इसकी बहुत कम है। तो ये है पूरे के पूरे स्वॉचेस सेकेंड रो के।
अब थर्ड रो की टर्न है और फर्स्ट वाला ग्लिटर है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ना छोटे छोटे स्टार्स हैं गाइस, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसको यूज़ किया था अपनी वीडियो में इस वाले को, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टार्स। ऐसे आपको अगर आपको आईज़ पे लगाना है तो आप लगा सकते हो स्टार्स को भी ऐसे हाथ में लेके, और ये देखिए इसमें छोटे छोटे स्टार्स हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा गॉर्जियस ये ग्लिटर है, मुझे बहुत पसंद है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डार्क ब्राउन और चॉकलेट कलर भी आप बोल सकते हो, और ये मैट फिनिश में है, ये कुछ इस तरह से है तो अच्छा है इसका पिगमेंट भी। नेक्स्ट इज डार्क एक्वा ब्लू कलर, ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस कलर है, शेड है, बट ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। एज यू कैन सी मुझे बार बार लेना पड़ रहा है और इसका स्वॉच भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया। और ये वाला प्योर रेड कलर है, इसका भी स्वॉच मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और ना ही ये मेरी फिंगर पे अच्छे से आ पा रहा था, तो मे बी आईज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये इसका स्वॉच है। एंड दिस वन इज लाइट येलो, या फिर आप इसको लेमन कलर भी बोल सकते हैं, तो ये भी हल्का पाउडरी लगा मुझे तो, बट इसका स्वॉच अच्छा आया है। और ये लाइट गोल्ड ग्लिटर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज इसका, ये देखिए स्वॉच भी बहुत अच्छा आया है। एंड दिस वन इज टर्मेरिक कलर, बहुत ही सुंदर, थोड़ा डार्क येलो है ये, और इसका स्वॉच भी बहुत ही अच्छा आया है। ये है रस्टी ब्राउन कलर, बहुत अच्छा लगा ये भी मुझे, ये भी मैट फिनिश में है। एंड दिस वन इज़ मेटालिक लेवेंडर शेड, अच्छा था ये भी बहुत, बट दो तीन बार पिक करना पड़ रहा था मुझे इसको, तो ये इसका स्वॉच है। और ये रहे स्वॉचेस सारी की सारी थर्ड रो के, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ रो। ये है ग्रीन शेड सबसे पहला, तो बहुत ही सुंदर ये ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा, और इसका स्वॉच भी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेड है, मैट फिनिश में है ये। एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्लू ग्लिटर, इतना सुंदर लग रहा था ना ये, इसका स्वॉच बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए कितना अच्छा स्वॉच आया है इसका, और आईज पे भी आई गेस बहुत अच्छा लगेगा लगाया हुआ, तो ये ऐसा कुछ लग रहा है। और नेक्स्ट भी ग्लिटर ही है, ये है रोज़ गोल्ड शेड ग्लिटर, और इसमें स्टार्स हैं जो कि पहले वाले में भी मैंने आपको दिखाए थे गोल्डन वाले में, तो इसमें भी स्टार्स हैं। ये है मैट फिनिश में, ये रॉयल ब्लू शेड है, बट इसका स्वॉच अच्छा नहीं आया, तो ये इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज मेटालिक फिनिश आई शेडो, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेटालिक जितने भी हैं इसमें, सैटन में, मेटालिक में, सब बहुत अच्छे हैं, सबकी पिगमेंटेशन बड़ी अच्छी है, सिर्फ थोड़े जो मुझे अच्छे नहीं लगे वो थोड़े मैट में नहीं अच्छे लगे। तो अब नेक्स्ट वाला जो है वो है ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर है, इसमें भी स्टार्स हैं ग्लिटर, इसमें भी स्टार्स हैं छोटे छोटे जैसे कि उनमें थे दोनों में, तो ये भी स्टार्स वाला ही है। ये वाला सैटन फिनिश में है, तो ये बहुत ही सुंदर सा ऐसे सैटन फिनिश में आई शेडो है ग्रीन कलर में। ये वाला गाइस बहुत ही सुंदर सा डार्क ब्लू ये आई शेडो है, ये भी मेटालिक फिनिश में है, बहुत ही सुंदर है ये आई शेडो, और ये इसका स्वॉच है, स्वॉच मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक ठीक पिगमेंटेड लगा मुझे। और नेक्स्ट जो है वो नेवी ब्लू मैट फिनिश में है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका स्वॉच अच्छा है, ये पिगमेंटेड है काफ़ी ज़्यादा। ये रहे फोर्थ रो के पूरे स्वॉचेस। फिफ्थ रो का फर्स्ट शेड है ग्रीन कलर, ये आई गेस लाइट टील ग्रीन कलर है, और ये इसका स्वॉच बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और ये सैटन फिनिश में लगा मुझे। और सेकेंड वन इज़ ये ब्लू शेड है गाइस, डार्क ब्लू, देखिए कितना सुंदर है ये भी मेटालिक फिनिश में लगा मुझे कुछ कुछ। और ये वाला रोज़ गोल्ड शेड है, और इसका स्वॉच भी ठीक ठीक लगा मुझे, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, और ये भी आई गेस सैटन या मेटालिक फिनिश में है। और नेक्स्ट वन जो है वो ग्रीन शेड है, एज यू कैन सी इसका स्वॉच अच्छा लगा मुझे, और ये मैट फिनिश में है। और इसके जो नेक्स्ट है वो एक्वा ब्लू शेड लगा मुझे, इसका स्वॉच भी बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे पास दो शेड हैं इस पैलेट में, और इसका स्वॉच ठीक ठीक है, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगा,
ये भी मैट फिनिश में था। और ये वाला जो है ये बगंडी शेड है और मुझे ये बहुत पसंद आया है, ये भी मेटालिक फिनिश में है, बहुत ही सुंदर। और इसके नेक्स्ट है ग्रीन शेड, ये बहुत ही सुंदर ग्रीन है गाइस, यू कैन सी बहुत सुंदर है मेटालिक फिनिश में और अच्छा सा ग्रीन शेड है ये। और ये वाला जो है ये ग्लिटर है, एज यू कैन सी कि ये ग्लिटर बहुत सुंदर ग्रीन ब्लू पिंक इसमें सारे शेड्स हैं। और जो लास्ट वाला है वो है ऑरेंज मेटालिक फिनिश में, बहुत ही सुंदर है ये भी गाइस, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। और ये रहे स्वॉचेस 5th रो के। सिक्स रो का फर्स्ट शेड है क्रीम कलर का, ये बहुत लाइट शेड है, सबसे ज़्यादा लाइट ये आई शेडो है पूरी की पूरी पैलेट में। तो इसका स्वॉच कुछ ऐसा है, ये थोड़ा पाउडरी है, मैट फिनिश में है, ये बहुत ज़्यादा लाइट है। तो सेकंड वाला जो है वो है पर्पल शेड, ये है मेटालिक फिनिश में। और मेटालिक में जितने भी आई शेडोज हैं सब बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं, एक दो ही हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो ये भी बहुत सुंदर आया है इसका स्वॉच। एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्राउन शेड, प्रॉपर ब्राउन शेड है ये, तो ये भी मुझे ठीक ठीक लगा इसका स्वॉच, ये मैट फिनिश में है। और ये वाला जो है ये रोज गोल्ड ग्लिटर है, ग्लिटर सभी बहुत अच्छे लगे मुझे, ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत गॉर्जियस लग रहा है। नेक्स्ट इज पर्पल शेड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट, आई मीन पिगमेंटेड बहुत कम था, मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब दबाना पड़ा अपनी फिंगर को इसको पिक करने के लिए। और अगला वाला जो है वो रेड कलर का ग्लिटर है गाइज, रेड ग्लिटर, और इसमें स्टार्स हैं, इसमें 4-5 ग्लिटर्स ऐसे हैं जिसमें स्टार्स हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कुछ। ये वाला मैजेंटा शेड है और ये मैट फिनिश में है, और इसको पिक करने के लिए भी थोड़ा मुझे करना पड़ रहा था। ये वाला लाइट है और ये उससे डार्क है ये वाला, तो ये इसका स्वॉच है। तो स्वॉच अच्छा आया है इसका, पिगमेंटेशन आई गेस इसकी अच्छी है, ठीक ठीक लगी। और अगले वाला जो ग्लिटर है ये बहुत ही सुंदर है गाइज, इसमें ये भी मिक्स है, इसमें पिंक है, पर्पल है, थोड़ा ये भी मल्टी शेडेड है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, पर्पल में ज़्यादा है ये। और जो लास्ट वाला आई शेडो है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, ये मेटालिक फिनिश में है और ये कुछ ब्लूइश ग्रीनिश आई गेस ब्लू में ज़्यादा है, एक्वा ब्लू में, और बहुत ही सुंदर लगा गाइस, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। और ये रहे सारे के सारे स्वॉचेस इस रो के। फाइनली हम लास्ट रो तक पहुँच चुके हैं, और सबसे पहला जो है वो ब्लैक आई शेडो है, इसमें जो ये आई शेडो है प्रॉपर ब्लैक नहीं है, जेट ब्लैक नहीं है, और इसका स्वॉच भी मुझे ठीक ठीक लगा, कुछ इतना खास पसंद नहीं आया, तो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, ये मैट फिनिश में था। और नेक्स्ट वन जो है वो गोल्डन मेटालिक फिनिश में आई शेडो है, ब्राउनी गोल्डन शेड है कुछ, तो ये भी बहुत पसंद आया मुझे, मेटालिक में था इस वजह से स्वॉच अच्छा आया इसका। और नेक्स्ट जो है वो बहुत ही अच्छा ब्लैक शेड है, बट इसमें स्पार्कल हैं, देखिए आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े स्पार्कल हैं इसमें, और ये थोड़ा पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी लगी मुझे, और ये भी आई गेस ये शिमरी आई शेडो है। और जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत ही सुंदर मैजेंटा कलर का ग्लिटर है, और उसमें भी स्टार्स हैं। ये वाला जो शेड है वो लाइट पिंक है, कॉटन कैंडी शेड है ये कुछ पिंक में, तो ये मैट फिनिश में है, तो इसका स्वॉच लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, थोड़ा कम पिगमेंटेड है ये। और नेक्स्ट जो है वो कुछ ऑरेंजी सा है, बहुत ही सुंदर सैटन फिनिश में, और इसका स्वॉच भी ठीक ठीक है, पिगमेंटेशन इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये वाला बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउन शेड है, इसको आप एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हैं इस पैलेट से, तो लाइट शेड्स इसमें काफ़ी कम है, और इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट गाइस इसका स्वॉच था, ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं लगा मुझे, मुझे बार बार लेना पड़ रहा था इसका कलर लाने के लिए, मैंने 2-3 बार इसको लगाया फिर जाके भी कलर नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कैसा रहेगा आईज पे। तो नेक्स्ट वाला जो है वो कॉपर शेड है, और ये थोड़ा मैट फिनिश में नहीं है, मेटालिक फिनिश में है ये भी, और इसका स्वॉच अच्छा आया। एंड लास्ट आई शेडो इज़ ब्लैक इन सैटन फिनिश, और मुझे सैटन फिनिश में लगा, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ना कुछ गोल्डन शाइन भी आएगी इसमें, एज यू कैन सी थोड़ी थोड़ी गोल्डन गोल्डन शाइन आ रही थी, बहुत सुंदर आई शेडो है ये भी, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये सारे के सारे स्वॉचेस इस लास्ट रो के,
तो ये थे स्वॉचेस इस पूरी की पूरी आई शेडो पैलेट के। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये पैलेट जो है वो बहुत ही सुंदर पैलेट है और मुझे बहुत पसंद है ये पैलेट। वैसे तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट अच्छी मुझे लगती है। जैसे मुझे कोई भी आई शेडो कहीं मेरी पैलेट से नहीं मिलता तो मैं इससे ले लेती हूँ, इसमें होता ही होता है शेड। तो ये था इसका रिव्यू गाइज, आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।